हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन पालक की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल अलग और स्पेशल तरीके से बनाएंगे। इसमें मैं सीक्रेट तरीके से सब्जी बनाऊंगी, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप एक बार बना लेंगे तो बार बार सब्जी को बनाएंगे, बच्चे बूढ़ों सबको बहुत पसंद आएगा, मेरी गारंटी। अगर इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो 1 किलो पालक भी कम पड़ जाएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पालक को अच्छे से पोंछ करके काट लिया है। अब भी मैं कढ़ाई में पानी गर्म किया है। पानी को उबलने के बाद में इसमें पालक ऐड करेंगे, और पालक को ऐड करने के बाद में इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने से क्या होता है, पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, इसे कलर पालक का जैसा होता है वैसा ही रहता है। अब पालक को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, केवल 2 मिनट के लिए ही उबालना है। 2 मिनट हो गए हैं, गैस को कर देते हैं बंद, और पालक को हम इस तरह से झारे से निकाल लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल अलग और नई रेसिपी है। इस तरह से हमें पालक को झारे से निकाल लेना है और मिक्सी के जार में डाल लेना है। ये बिल्कुल नई रेसिपी है। इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के अब हमें मिक्सी को ज़्यादा नहीं चलाना, केवल 1 सेकंड के लिए मिक्सी चला के पालक को पीस लेना है। देखिए पालक हमारा दरदरा सा इस तरह से हमें पीस लेना है। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी। और जीरा ऐड करने के बाद में 7 से 8 लहसुन की कलियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। इससे बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। आज हम बनाएंगे लहसुन पालक की सब्जी, इसलिए अब हमें लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन को पीस के हमें ऐड नहीं करना है, इसी तरह काट के करना है। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए इस तरह से हमारा लहसुन अच्छे से पकने लग गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बारीक कटा हुआ अदरक, जिसे मैंने कूट पीस लिया है, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं लहसुन के साथ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बारीक कटी हुई 2 प्याज, और इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अब इसमें जो एक सीक्रेट ट्रिक है वो है 1 चम्मच बेसन ऐड करना है। बेसन से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब बेसन को भी हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। और बेसन पकने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को भी हमें अच्छे से हमें टमाटर को भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ना ही तो ज़्यादा ऑयल यूज करना है और ना ही ज़्यादा मसाला, फिर भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सूखा सा लग रहा है, इसलिए इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। देखिए इस तरह से 1/2 कप पानी ऐड करके, और हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेना है। इस तरह से हमें पका लेना है। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जिस जार में हमने पालक पीसा था उसी में पानी डाल के और उसी का पानी ऐड किया है, और हमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि पालक की सब्जी सूखी सूखी नहीं बनानी, ग्रेवी वाली बनानी है इसलिए। और इसे अच्छे से पकाने के बाद इसमें जो पालक पीस के रखा था उसे ऐड करेंगे, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बिना ढक्कन लगाए हमें पालक को 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। इससे पालक अच्छी तरह से पक भी जाएगा और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 5 से 6 मिनट के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच दूध की मलाई।
मलाई से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने 1 चम्मच दूध की मलाई ऐड की है। इसे भी अच्छे से मिक्स करके और 1 मिनट के लिए फिर पका लेंगे। और हमारी ये पालक की सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखिए पालक का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो 1 किलो पालक भी कम पड़ जाएगा। अब इसे हम निकाल लेते हैं सब्जी को दूसरे बाउल में और इसमें लगाते हैं तड़का। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और आधा चम्मच जीरा ऐड किया है और 7 से 8 फीट लहसुन की कलियाँ डाल के और 1-2 लाल मिर्च को काट के और इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है और इस तड़के को हम पालक की सब्जी में ऐड करते हैं। देखिए तैयार है हमारी लहसुन पालक की बहुत ही अलग और स्पेशल सब्जी। इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो 1 किलो पालक भी कम पड़ जाएगा। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।